यूपी बोर्ड अभिभावकों के लिए राहत की खबर। शैक्षिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे प्रदेश के स्कूल, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 के शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। यह जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। विद्यालय भौतिक रूप से बंद हैं पर ऑनलाइन पठन पाठन कार्य जारी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा संतुलित निर्णय किया है कि जिससे आम जनमानस पर अतिरिक्त भार न पड़े। साथ ही विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित की जा सके। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यालय शैक्षिक सत्र 2021-22 में पिछले वर्ष की भांति उसी शुल्क संरचना के हिसाब से शुल्क ले सकेंगे जो वर्ष 19-20 में लागू की गई थी। अगर किसी स्कूल ने बढ़ी हुई शुल्क संरचना के हिसाब से फीस ले ली है तो इस बढ़ी हुई फीस को आगे के महीनों में फीस में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय बंद रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी छात्र अथवा अभिभावक को 3 माह का अग्रिम शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उनके अनुरोध पर उनसे मासिक शुल्क ही लिया जाए। इस स्थिति में उन्होंने 3 महीने का अग्रिम शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।